अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। और आज मैं दो मरतबा आया हूँ और दोनों मरतबा यहाँ पे कबूतर बैठे थे, जिनके अभी ये सामने बैठे हैं और ये इधर ही रहते हैं। इस जगह पर ही तकरीबन चार जोड़ियाँ हैं, पांच जोड़ियाँ जो इस जगह पे रहती हैं। तो एक यहाँ बैठे हैं, एक वहाँ बैठे हैं, बाकी वो उड़ रहे हैं। दो नहीं, कोई और चीज़ है वो अभी मेरे ख्याल में नहीं निकले, अपने घरों से निकले थे लेकिन वापस चले गए। यहाँ पे बैठे थे और पाख्ता भी यहीं पे बैठी थी, लेकिन जैसे ही मैं आया और वो उड़ गए। और ये हमारी केज पड़ा है उसका डक का, अगर धूप तेज़ इतनी ना हुई तो फिर हम उसे ले आएंगे। अभी तो धूप है इतनी है कि हम बंदा खड़ सकता है, बैठ भी सकता है, लेकिन अगर धूप सही निकली तो इसे डक को ले आए। तो डक को सुबह तो निकाला तो था और ऊपर रखा भी था, इधर इधर नहीं रखा था नीचे, वो खुद ही निकल आई थी। खाना भी दिया था, पानी भी, चाय वगैरह भी आपको पता है वो पीती होती है हमारी। और ये देखें यहाँ पे चिड़िया भी आ चुकी हैं, वो बैठी है हर जगह हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चिड़िया डेली आती हैं और काफ़ी सारी आती हैं और कई पेयर आते हैं, काउंट नहीं कर सकते हम। अल्लाह पाक का शुक्र है, ये दाना खाने के लिए आते हैं, ये नीचे दाना वगैरह पड़ा। और इन्हें देखें ये धनिया वगैरह भी दिया हुआ है। और ये देखें ये तो पेयर अंदर ही होता है जैसे आपको पता है, ये वाला फीमेल अंदर है, उनमें बाहर बैठा है और बाकी दूसरा पेयर वो बैठा है। दो इनमें से सिर्फ तीन पेयर रखेंगे या चार पेयर, एक पेयर इनमें से बेच देंगे बहुत जल्द, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है ना इसी वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि कोई नाइल लेके आएंगे महंगे वाला, ये नहीं, वो तो हमारे पास पाँच छः जोड़े जो नीचे हैं बड़ी ब्रीड वो करेंगी, बाकी हम दे देंगे। बाकी ये देखें आपके सामने बैठे हैं ऊपर, शायद इनमें से एक भी ना था, ये दस है, तकरीबन पाँच एक जोड़ियाँ ये पड़ी रहें। बाकी खाना वगैरह इनके पास आया पड़ा, पानी वगैरह मैंने इन्हें दे दिया था और साफ वगैरह बाद में करूँगा क्योंकि पानी इन्होंने पीना था, पानी बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा था। पानी वगैरह मैंने दे दिया था इन्हें और इन्होंने सब ने बारी बारी पानी पिया था और पानी पीने के बाद खाना खाया था। खाना खाने के बाद इधर के एक पेयर मटकी के अंदर है, ये अब देखिए नज़र आ रहा है, इधर मेल भी उसे जाके खाना खिला रहे थे मेल को। बाकी ये यहाँ बैठे हैं और बाकी हम अपने पौधों के पास चलते हैं। और ये हमारे पौधे हैं, बटर देखें, बस कुछ इन्हें छाँव में रखना पड़ेगा अगर धूप तेज़ हुई तो। और बाकी हमारी गंदम तो आपको तो धूप में उससे कुछ नहीं होगा। और धनिया वगैरह भी ये और लीमू वगैरह भी उठा लेंगे, ये अभी तक नहीं खिला, ये देखें ये बहुत अच्छी जाएगा। और दूसरा पौधा हमारा खिल गया, ये देखिए ये तो गिर गया, उसके जगह पर ये देखें ये खिल गया, बस थोड़ा सा और खिलेगा ये, आप देखें थोड़ा सा और खिलेगा तो ये भी बन जाएगा। बाकी ये अनार का पौधा मैं उसके पंख आ रहे सॉरी वो आ रहे हैं करते लीव्स आ रहे हैं। और बाकी मैं अभी एक मिनट आपको बता दूँ, बाकी नींबू का पौधा आपको पता है ये इसमें पता नहीं कौन पानी डाल देता है, लेकिन पानी वगैरह अभी नहीं डालना, उन्होंने भाई ने कहा था काफ़ी दिन। अब मौसम बाहर आ रहा है शायद जिसकी वजह से अब ये इसके अंदर वो निकले लीमू वगैरह के फूल वगैरह निकलेगा, फिर लीमू निकलेंगे। और बाकी नीचे हमने अपने पिंजरे वगैरह निकाल दिए हैं, नीचे पिंजरे वगैरह घूम रहे हैं, पाँच छः हैं, पता नहीं छः हैं, उन्हें निकाला था जिनमें से एक फीमेल तो चली गई अपने अंडों पर बैठ गया। और नीचे एक और सरप्राइज़ भी आया हुआ है, वो मैं जाकर भी आपको सरप्राइज़ वगैरह दिखाता हूँ, नीचे हमारा सरप्राइज़ आया हुआ है। बाकी पिंजरे वगैरह के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह अब वो चलते कम हैं, उड़ते ज़्यादा हैं, मैं अब जाकर आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं नीचे, बाकी ये पैर सब मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए आपके सामने ये बच्चे है और ये मेल है, ये उड़ता है लेकिन अभी ये सुकून से बैठा है नीचे, बाकी फीमेल तो अंदर चली गई है वापस। मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ, एक पैर में था और भी बाहर है, ये देखिए मेल भी बाहर है और बच्चा भी बाहर है, फीमेल इसकी भी अंदर चली गई है और इसकी भी चली गई है फीमेल अंदर। ये देखिए ये फीमेल बैठी है अंडे के ऊपर और जो सरप्राइज़ है वो देखें आपके सामने है। देखें हमारी फीमेल ने दोबारा अंडा दे दिया है, मैंने आपको कल कहा था कि ये दोबारा अंडा देने वाली है, देखें आज इसने अंडा दे दिया है, रात भी होगा पता नहीं है लेकिन अंडा दे दिया इसने। और ये इसका बच्चा है, ये देखें ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, ये खुद जाएगा और ये खुद चला गया, ये अच्छा बच्चा है। अब इसे अगर ये निकलना हो तो निकल आएंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे तो बंद कर देंगे। और हमारे दो पिजन वो आपके सामने है वो रहे, और ये कैच खाली है अभी तक तो बहुत जल्दी फूल हो जाएगा। और अब चलते हैं अपने पैर वगैरह के पास, मैं आया हूँ, मुझे लगता है कि जो ये सामने छोटा बच्चा है ना, मेरे ख्याल में ये मर चुका है, थोड़ी देर पहले तो ये ठीक था लेकिन मेरे ख्याल में अब ये मर चुका है।
अभी मैं इसकी मट्टी यही वगैरह निकालता हूँ। बाकी दो बच्चे वो हैं और नहीं, एक नीचे आया हुआ है। इसका मुझे तकरीबन कंफर्म लगता है काफ़ी देर से इसी जगह पे है। आपको शायद नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो, हल्का हल्का नज़र आ रहा हो। बाकी मैं अभी इसका डब्बा वगैरह बाहर निकालता हूँ, उसके बाद इसका मुआयना करते हैं। देखें ये बच्चा जो मर गया है, मैंने आपको कहा था ये मर चुका है मुझे लगा था। लेकिन गन वगैरह भी इन्होंने काफ़ी सफाई नहीं की अपनी। अब इसे ले कर चलता हूँ बाहर और रख के आता हूँ इसे। अब ये देखें इसे मैं ले कर आ चुका हूँ, अब इसे यहाँ पे खाली करते हैं। ये देखें ये बच्चा है जो मर गया है, अब मैंने यहाँ पे डाल भी दिया, अब इसे दफना दिया यूँ समझे। ये देखें ये बतख का बच्चा जो हमारा पहले मर गया था, इसे कोई खा गया है, बस थोड़ा सा बच्चा मेरा पहले भी हमारे कोई तोते वगैरह यहाँ से निकाल के चला गया है। बस इसे थोड़ा थोड़ा कवर कर देते हैं, बस यूँ इसे दफना के फिर मैं घर जाता हूँ। दवा भी इनका मैंने साफ़ कर दिया, बस इसे दफना देते हैं फिर घर चलता हूँ। और इसके अंदर अब मैंने प्राई वगैरह डाल दिया है और इसका एक सबसे छोटा जो बच्चा है वो सामने है। अब मैं इसे अंदर रखता हूँ, फिर इसका बच्चा भी अंदर डाल दूँगा। और ये है सबसे छोटा बच्चा, अब इसे इसके अंदर डालते हैं और इसे वापस रख देते हैं। और अब वापस इनके मटकी वगैरह लगा दी है, देखें पराली वाला भी लगा दिया, पराली वाला और एक बच्चे वगैरह भी इनके वापस उस में डाल दिए हैं। और इसका देख में एक बच्चा है बस, इस बार इसके और नहीं निकले, बाकी अंडे ख़राब हो चुके हैं। इस बार एक ही बच्चा निकला है उसका, आँखें थोड़ी थोड़ी आँखें खुली हैं, बाकी एक ऊपर बैठा है। इसके पहले वाला बच्चा, एक पहले वाला अंदर है पहले वाला, और बाकी ये लवबर्ड ऊपर बैठे हैं। अभी मैंने इधर थोड़ी सी लकड़ी लगाई थी और इन्होंने देखो खा गई, मैंने यहाँ से निकाल रहा था ना इसी वजह से। और ये बैठे हैं लवबर्ड, ये इनका अब ये भागता देना देखना इन्हें। और ये इनके पास भी मैंने थोड़ी सी प्लानिंग रख दी है, अगर ये लेके जाएंगे तो और भी डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। और बाकी ये हमारे ऊपर वाले पैट्स हैं, ब्लू फीमेल अंदर है और राज का मेल जो है ना वो बाहर है। और बाकी ये देखें बच्चे, ये बच्चा वगैरह है, एक पर जो जख्मी हुई थी वो भी डाल दी थी, वो पता नहीं अब कौन सी है, वो रही है मेरे ख्याल में वो है, हाँ वही है। और ये हमारे कॉकटेल वगैरह हैं, ये कॉकटेल वगैरह देखें बोल रहे हैं, शोर कर रहे हैं। अब ये इसे देख के ये भी शोर कर रहे हैं, दोनों शोर कर रहे हैं। और बाकी ये है हमारे ऊपर वाले पैड्स वगैरह हैं, और ये इसका एक ही बच्चा निकला और नहीं निकला। और ये है इसका मेल है, बाकी दो बच्चे पहले वाले हैं, रेड एज वाला और दूसरा, और ये उसका इसका मेल बैठा है। बाकी इसने अंडे तो आपको पता है फेंक दिए थे, अब ये इसका पता नहीं है बच्चा निकला नहीं निकला। मैंने बहुत कोशिश करता हूँ उसके देखने के लिए लेकिन ये नहीं देखने देती। बाकी ये बच्चे वगैरह बैठे हैं जो उसके हैं पहले वाले, एक इसका और एक इसका, मेरे ख्याल में इनका दोनों का पेयर बन चुका है। काफ़ी 6 महीने के तो हैं, इनके जो फादर था मेल उन्हें मरे हुए थे कि मैंने 3-4 माह हो चुके हैं। और बाकी अब ये पैरेंट्स वगैरह दिखा दिए हैं और ये रह गया है, ये देख रहे हैं आप। और डक वगैरह भी रह गए, डक वगैरह मैं ऊपर लेके जाऊँगा फिर दिखाऊँगा, डक वगैरह पड़ी है मेरे पास और फिर मैं दिखाऊँगा। ये आगे इधर ये देखें और डक वगैरह वो पड़ी है। इधर बाहर आया हुआ था वो देखें कि जो ट्रैफिक वाले हैं, देखें गाड़ी लेके जा रहे हैं जो पार्किंग पे नहीं खड़ी थी, गलत जगह पे खड़ी थी, वो आपके सामने लेके जा रहे हैं। ये रश है शायद आपको नज़र आ रहा हो, आप नज़र आ रहा होगा क्लियर, वो देखें वो लेके जा रहे हैं। मैं इधर थोड़ा काम आया हुआ था, जो गाड़ी लेके जा रहे हैं जो पार्किंग के एरिया के खिलाफ खड़े होते हैं ये उठा के चले जाते हैं और काफ़ी जुर्माना लगाते हैं। आप घर चलते हैं वापस, से नीचे पहले मैं दिखाऊं फिर मैं ऊपर लेके आऊँ, मैंने कहा एक बार ऊपर लेके आता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ। और ये देखें इसके चावल और राइस वगैरह भी डालते हैं इसे, इसे काफ़ी देर बाद अभी थोड़ी देर पहले घुमाया इसे, बस 5 मिनट पहले इसे उसके अंदर डब्बे में डाला था क्योंकि मैं पहले बाहर से रह गया था, बाहर निकाल देता इसे फिर वापसी आया हूँ, डब्बे में डाला हूँ कुछ देर बाद फिर मैं इसे ले आया। अभी देखिए मैंने खा पी चुकी है, पानी भी पी चुकी है, ये देखिए पानी यहाँ भी लग रहा है इसके। और अभी बस मैं जाऊंगा सुकून से बैठ जाएगी या बोलेगी। और इसके राइस जो हो रहे हैं वो भी मैंने गर्म करके ये देखें यहाँ पे रखे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गए इसी वजह से यहाँ पे ठंडे होंगे, ठंडे हो जाएंगे तो फिर उसे वो डाल देंगे। और ये शोर कर रही है। और अब हम चलते हैं अपने पैरट्स वगैरह के पास, पैरट्स वगैरह हमारे इधर ही हैं, ये हमारे पैरट्स वगैरह ये आ गए पैरट्स के पास, मैं जैसे हूँ ये भाग गए। अब एक बार आपको फिर से दूर से दिखाता हूँ, ये नीचे वाले कैच का दरवाज़ा, मैंने बस से बॉल में खेल रहा था ना, बॉल लग गया यूँ बंद था, वो बॉल लग गया तो यूँ खुल गया, इसके बाद ना वो खुले तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि कोई नफ़ा नुकसान नहीं है, नफ़ा क्या पता हो जाए, नुकसान तो नहीं है, नुकसान तब होगा जब इसे कोई छेड़ेगा। ये देखें ये पानी पीने आ गए,
पानी इनका गंदा हुआ पड़ा, पानी में इसका अभी साफ वगैरह कर लेता हूँ। खाना वगैरह बस पड़ा इनके पास। और मैं आज जो नीचे वाले हैं ना, लेकिन मैंने चार पेयर आज बेच दूंगा या कल, ये पक्के चले जाएंगे। इन्हीं की जगह कोई और चीज़ लेके आऊँगा। और मुझे लगता है आज के व्लॉग भी यहीं पे एंड करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो देख लीजिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।